एग्रीमेंट कॉम्प्लेक्स दिखाया कि इंदिरा गांधी और भुट्टो आए थे 1972 शिमला समझौता हुआ था यहाँ। शूटिंग स्पॉट माँ शेरावाली का टेम्पल, मर्द मूवी बना था सबसे पहले। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टेलीस्कोप से अलग अलग पॉइंट्स। कल थोड़ा धक्का मुक्की करना पड़ा, बहुत ठंडा मौसम है यहाँ, बहुत ज्यादा ठंडा है। चलो चाइना, बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो हम लोग निकल चुके हैं टेलीस्कोप पॉइंट से, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, तो हम नीचे जाएंगे। आप इनसे मिल सकते हैं, मेरी डॉल से। यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन। तो यहाँ पर सब जा रहे हैं कॉस्ट्यूम पहन के फोटो वगैरह खिंचवाने। यहाँ पर हम सब ने पहन लिया है कॉस्ट्यूम हिमाचल का। सबने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। दिया इधर देखो, चल रहा है याक पर फोटो सेशन। ये लोग याक पर बैठे हुए हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। सबने कर ली है कुफरी की सैर, काफ़ी टाइम बिताने के बाद अब हम वापस जाएंगे। तो यहाँ पर हॉर्स की लाइन लगी हुई है, हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं हॉर्स के लिए और वापस से हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब इंतज़ार में हैं अपने अपने हॉर्स के। यहाँ पर हम लोग लंच करने बैठे हैं, मसाला डोसा खाया जा रहा है और रोली पी रही है सूप, स्वीट कॉर्न का सूप, पर मज़ा नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग। शाम को कुफरी से वापस आने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सब आते ही सो गए और सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब होने लगी, मेरा भी सिर दर्द होने लगा, मेरी फ्रेंड को फीवर हो गया। तो हमने शिमला में मॉल रोड है वहाँ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ जाना था हमें, थोड़ी दूरी पर था तो पैदल चल कर जाना था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई चलने की, तो सब ने बोला कि नहीं चलते हैं और सब आराम करते हैं।
तो अभी रात के 8:30 हो रहे हैं और मैं सोकर उठी हूँ, तो मैंने चाय मंगा कर पी है और पेन किलर ली है हेडेक की, तो थोड़ा मैं अच्छा फील कर रही थी इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो कंप्लीट कर दूँ। और कल हम यहाँ से मनाली के लिए निकलेंगे, सुबह हमें निकलना है जल्दी 8-9 बजे तक ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो हम सब मनाली निकल जाएंगे और वहाँ कुल्लू घूमते हुए फिर मनाली पहुँचेंगे, तो काफ़ी रात हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे डिनर ऑर्डर कर दिया है, डिनर करने के बाद हम जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठना है। इसलिए कुफरी जाने के लिए हॉर्स राइडिंग जो हम करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सफ़र होता है, 3 किलोमीटर होता है कुफरी से और ऊपर पहाड़ी तक जाने के लिए। तो जो लोग भी हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें डर जरूर लगता है पर फिर भी मज़ा बहुत आता है। बच्चे हैं तो उन्हें अपने साथ बिठा कर रखें और घोड़े थोड़े थोड़े कभी तेज़ चाल में होते हैं कभी धीमे हो जाते हैं, पर मज़ा बहुत आता है कुफरी पे। और ऊपर जाकर टेलीस्कोप है, वहाँ पर टेलीस्कोप दिखाते हैं पर वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वहाँ पर 200 पर पर्सन लेते हैं तो वो उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसे देखें ही देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता टेलीस्कोप से दिखाते हैं कि क्या दिखा रहे हैं, चाइना का बॉर्डर और कोई देवी बालाजी माता जी का मंदिर और कोई शूटिंग पॉइंट, इस तरह के कई 7-8 जगह दिखाते हैं पर वो वेस्टलेस है, टेलीस्कोप से कुछ भी समझ में नहीं आता देखने से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि वहाँ पर आप पैसे बिल्कुल भी ना वेस्ट करें, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, मार्केट भी अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ का एप्रिकॉट और चेरी काफ़ी अच्छे लगे हमें, हमने वो खाकर एंजॉय किया था। और बाकी शिमला पूरा घूमने के लिए अच्छा है, मॉल रोड भी हम घूम पाते पर सबकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम मॉल रोड नहीं घूम पाए, नेक्स्ट टाइम हम मॉल रोड जरूर घूमेंगे जब भी हम यहाँ आएंगे। इस टूर ब्लॉग में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग भी शिमला मनाली या कुल्लू घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रख कर लाएँ, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी डाउन हो जाता है, जैसे ही हल्की बारिश होती है तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। हम लोगों ने अपने साथ गर्म कपड़े रखे थे तो हमें दिक्कत नहीं हुई, पर कुफरी में जाने के बाद पता चला कि ठंड क्या होती है, बहुत ही ठंड थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ी तबीयत भी सबकी ख़राब हो गई। तो आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग देखें वो कभी भी घूमने का प्रोग्राम बनाएं इस साइड हिमाचल में तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके कपड़े थोड़े ज़्यादा रखें। बाकी ये सफ़र काफ़ी अच्छा है शिमला का, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें और गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। आज का ब्लॉग मैं यही कम्प्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।